अगेन एक और कंपैरिजन सर्कुलर डायल की वॉच के साथ आपके सामने मैं आ चुका हूँ। एक तरफ है नॉइस की वॉल टू प्ले जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है 2799 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। फायरबोल्ट की आइटम जो कि कॉलिंग फैसिलिटी के साथ आती है वो अवेलेबल है आपकी कहाँ पे? ये अवेलेबल है आपकी फ्लिपकार्ट पे 3799 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। तो क्या 1000 रुपये फायरबोल्ट की आइटम के लिए देना ज़रूरी है? येस डेफिनेटली ज़रूरी है। यहाँ पे मैं कंक्लूजन यहीं पर ही आपकी क्लियर कर दूँ, आइटम ज़्यादा फीचर्स के साथ आती है, कैलकुलेटर मिल जाता है आपको इसमें, और ओवरऑल यहाँ पे कॉलिंग फैसिलिटी मिल जाती है, वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है जो कि इवॉल्व टू नहीं दे पाती आपको। इवॉल्व टू प्ले, इवॉल्व टू प्ले में आपको क्या मिलता है, 50 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं बट आइटम आपको 100 प्लस स्पोर्ट्स मोड देती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों की, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बट इस कंपैरिजन को हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर दो। कूपन्स की बात करें, क्रॉसबीट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे सीधे जाओ, अभी ट्रैकपो कूपन को यूज़ कर लो, 5 से 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। TECHPOK ट्रैकपो कूपन कोड का नाम है, आप यूज़ कर लेना और वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। डिस्प्ले पे आते हैं, इवॉल्व टू प्ले में आपको 1.28 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, स्लाइटली छोटी है जो कि थिन रिस्ट पे भी चल जाएगी, बहुत थिन टू मीडियम टू लार्ज रिस्ट पे। एटम थोड़ी सी मीडियम टू लार्ज रिस्ट पे ज़्यादा बेटर लगेगी, थिन रिस्ट पे मैं रिकमेंड नहीं करता। एमोलेड डिस्प्ले वैसे दोनों मिल जाती है। इवॉल्व टू प्ले में आपको 390 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है, स्लाइटली बेटर है एटम से, बट साइड बाय साइड अगर आप रखोगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, एकदम माइनर सा डिफरेंस दिखेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और रेस्ट टू वेक का ऑप्शन मिल जाता है, बट ये ध्यान रखिएगा ऑलवेज ऑन अगर ऑन रखते हो तो ज़्यादा बैटरी खाएगी आपकी वॉच। 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया, प्रोडक्शन कौन सा एक्जैक्टली कंपनी नहीं बताया, बट 326 पिक्सल पर इंच की शार्पनेस मिल जाती है दोनों ही वॉचेस में। 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है दोनों ही वॉचेस में, तो ये बहुत अच्छी बात है। डिस्प्ले के मामले में कमाल काम किया गया दोनों ही कंपनी की तरफ से। अब बात आती है वॉच फेस की, क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों में लगा सकते हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन तो है ही है, साथ में आपको लाइव वॉच फेस का ऑप्शन भी मिल जाता है, और इसी के साथ साथ अपने पीक को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो। कितने वॉच फेस मिलते हैं, 5 से 6 वॉच फेस मिल जाते हैं, उससे ऊपर नहीं मिलते हैं आपको। लास्ट वॉच फेस को चेंज कर सकते हो आप, बहुत सारे वॉच फेस एक साथ नहीं लगा सकते, ना ही डिफॉल्ट वॉच फेस को आप डिलीट कर सकते हो। तो ये सब लोगों की क्वेरी थी, वो साथ में मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे अगर हम बात करें फिटनेस ट्रैकिंग की, तो यहाँ पे फिटनेस मोड्स की बात हम करें तो एटम स्ट्रेट अवे विनर है, 120 स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं, IP67 रेटेड है एटम आपकी, और इवॉल्व टू प्ले आपकी इवन कॉलिंग फैसिलिटी भी नहीं है इसमें, 5 ATM देना चाहिए था बट यहाँ पे 3 ATM ही दिया गया है। 85% तक की एक्यूरेसी मिल जाती है, डेडिकेटेड सेंसर के साथ दोनों ही वॉचेज आती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये प्लस पॉइंट है। और उसी के साथ साथ एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जैक्रो सेंसर, SP2000 मॉनिटर भी दोनों ही देखने को मिल जाता है। अब बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, जहाँ पे कॉलिंग काम में आती है, एटम यहाँ पे जीत जाती है स्ट्रेट अवे, बट इवॉल्व टू प्ले में आपको क्विक रिप्लाई का ऑप्शन मिलता है जो कि एटम में नहीं मिलता। अदर फीचर्स की बात करें, अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, कैलकुलेटर भी मिल जाता है एटम में। तो आपको फुल टच पैनल है, स्मूथ है, स्टटर लैग बहुत ही कम देखने को मिलेगा खासकर एटम में। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.1 यूज़ किया गया, बट एटम में 2 प्रोफाइल पेयर होती हैं जिससे आपका कॉलिंग फीचर काम करेगा। फाइंड माई फोन, कैमरा शटर, म्यूजिक कंट्रोल, ये सब चीज़ें मिल जाती है इवन एटम में, तो आपको वॉइस असिस्टेंट, कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एटम में कैलकुलेटर नहीं है, गेम्स है बेसिकली। ओके मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि न्यूक्लियस एटम में थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ मैं। एटम में आपको गेम्स मिल जाते हैं बट इवॉल्व टू प्ले में नहीं मिलते हैं। एंड्रॉइड या iOS से आप पे कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे बात करें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज कहीं ना कहीं एटम आगे निकल जाती है, बट इंटरनल मेमोरी नहीं दी गई है, TWS पेयरिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है। कस्टम UI जरूर यूज़ किया गया, लिस्ट वाला मेन्यू मिल जाता है आपको, और ड्यूअल बटन कंट्रोल दोनों मिलता है, और गेस्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो अपना लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए, ये अच्छी बात है। अब बात आती है बैटरी बैकअप की, तो जो बैटरी कैपेसिटी है इवॉल्व टू में और एटम में आपको सिमिलर लगेगी, बट इवॉल्व टू में आपको 220 से 230 mAh बैटरी कैपेसिटी का यूज़ किया गया है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। 7 days का रन टाइम क्लेम करती है ऑन द पेपर, कंपनी तरफ से क्लेम किया गया। मैग्नेटिक चार्जिंग का सपोर्ट वैसे दोनों में देखने को मिल जाता है। एक्चुअल यूज़ की बात में करूँ तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन कर दो, आपको 5 days का बैटरी लाइफ मिल जाएगा दोनों ही वॉचेस से। बट गाइस यहाँ पे अगर आप कॉलिंग फैसिलिटी पे रहते हो एटम में तो 1 से 2 दिन का ही बैटरी लाइफ मिलता है, बट अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखते हो तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस कम चलेंगी। एटम तो और कम चलेगी, 1 से 1.5 दिन, इवॉल्व टू प्ले 2 से 3 दिन चल सकती है। अब बात आती है मेन फीचर्स की, हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है, SP2000 मॉनिटर का ऑप्शन है, स्लीप ट्रैक कर सकते हो, कैलरी बर्न, स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, ब्रीथ रिलैक्स का मोड मिल जाता है सेडेंटरी रिमाइंडर के साथ। अब बात आती है बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी दोनों की अच्छी है बट इवॉल्व टू की ज़्यादा अच्छी है, मेटल का डायल है और एटम का मेरे को लग रहा था, मैंने अनबॉक्सिंग रिव्यू किया था जबकि इसका मेटल का होगा, बट इसका पॉलीकार्बोनेट है, हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया, लाइट वेट है ये वॉच वैसे, 49 ग्राम्स की है यहाँ पे और 45 ग्राम्स की वॉल टू प्ले पड़ती है। 22 mm स्ट्रैप साइज यूज़ किया गया, तो आफ्टर मार्केट का आप चूज ऑन कर पाओगे, सिलिकन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है, तो स्किन फ्रेंडली मेटल का भी यूज़ किया गया है। वॉच डायल मेटल है जैसा मैंने आपको बताया, वॉल टू प्ले में एटम का मेटल नहीं मिलता, पॉलीकार्बोनेट मिलता है। अब गाइस बिल्ड क्वालिटी में डेफिनेटली कहना चाहूँगा इवॉल्व टू प्ले आगे निकल जाती है, बट यहाँ पे प्राइसिंग पे आते हैं बात, तो यहाँ पे सिनेरियो कुछ और ज़्यादा
आगे रह जाता है एटम का, 1000 रुपये ज़्यादा महंगी है। तो गाइज 1000 रुपये ज़्यादा देना बेटर रहेगा? येस गाइज बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एटम में कॉलिंग फैसिलिटी मिल जाती है, दूसरा यहाँ पे आपको गेम्स मिल जाते हैं, तीसरा यहाँ पे वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, चौथा यहाँ पे लाउडनेस बेटर मिल जाती है, पाँचवा यहाँ पे आपको जो आपके रिस्ट पे ज़्यादा प्रीमियम फील होती है एटम आपकी, और लाइट वेट भी है, बट इवॉल्व टू प्ले भी प्रीमियम फील होती है। बट वही बात है कि इवॉल्व टू प्ले में आपको क्या नहीं मिलता, कॉलिंग फैसिलिटी नहीं मिलती है, तो ये इवॉल्व टू पीछे रह जाती है इवॉल्व टू प्ले बेसिकली। एटम के लिए मेरा वोट जाता है। वैसे दोनों ही वॉचेस की बेस्ट बेलिंग डिस्क्रिप्शन पेज पे है, सीधे जाके ग्रैब कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।